नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज खंडेलवाल हिंदी साहित्य की विशेष कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ स्टार्ट करने जा रहे हैं। टैगोर जो स्कूल है हमारा, उन्होंने घर घर आपके लिए जो व्यवस्था की है उल्लेखनीय पहल, उस पहल के इस कदम में आज से स्टार्ट हम हिंदी साहित्य की कक्षाओं का सिलेबस शुरुआत कर रहे हैं। पहला पाठ जो संतवाणी थी, उस संतवाणी में जो सृजन किताब थी, उस सृजन किताब में कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खड़िया जो तीन संतों के जो जीवन श्रेणियां थीं उनका परिचय हम लोगों को बता चुके थे। आज हम एक पाठ स्टार्ट करेंगे और वो पाठ है हमारा संतवाणी। नौ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और पहला पाठ, पहला देखते हैं अपन कबीर दास। इस कबीर दास के बारे में कहा गया कि एक आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी थे, उस आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी ने इनको वाणी का डिटेक्टर कहा। क्या कहा? वाणी का डिटेक्टर कहा, का डिटेक्टर। अपनी सपाट बयान वाणी और समाज सुधार के लिए उपदेश दिए, उनका संकलन किया इनके शिष्य धर्मदास ने। इनकी रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। बीजक के तीन भाग हैं, शाखी, शबद और रमेनी। संत काव्य परंपरा में इनका काव्य जो है हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। ठीक है दोस्तों, साधु की पहचान संग जाति से नहीं ज्ञान से होती है। सत्संगति पर इन्होंने बहुत ज़्यादा विचार अपने रखे। धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच, बहुदेववाद का कड़ा विरोध किया, छुआछूत आदि का इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध किया। भक्तिकाल के महान समाज सुधारक थे आप, उन्हें कहते हैं इनकी प्रतिभा में अबाध गति और तेज था। तो इनको जो ज्ञानेश्वरी शाखा के आप प्रतिनिधि कवि थे 1398 में और 1518 का जो इनका जन्म और मृत्यु का काल है, इनके बारे में मैं काफ़ी बातचीत आपको बता चुके हैं। तो अब पहले इनके अपन दोहा पढ़ते हैं जिन्हें शाखा कहा गया और उसके बाद इनका अर्थ देखते चलें। दोस्तों एक एक चीज़ आपको बड़े ध्यान से पढ़नी है, गौर करना है अपने आप को। देखिए कैसे, पहला, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नियच किया विचार कबीरा, नियच किया विचार। दोस्तों कहते हैं ना अपने हिंदी साहित्य में जब हम ग्रामेटिकल रूप में चलेंगे छंदों में, तब हम आपको बताएंगे दुआ, यति, गति। अब बहुत से लोग कहते हैं सर ये जो चीज़ आप पढ़ाते हो ये गीत के रूप में क्यों पढ़ाते हो, तो उन्हें ये समझना चाहिए कि पद तो पद के हिसाब से ही पढ़ा जाएगा। अब मैं इसे ऐसे पढ़ूँ, त्याग तो ऐसा कीजिए, तो दोस्तों हमें ये पता नहीं लगेगा कि यति कहाँ है और गति कहाँ है। इसलिए त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नियच किया विचार कबीरा, नियच किया विचार। सुनिए गुण की वारिता अगुण लीजे ना, हंस छीर को गहत है नीरसो त्यागे जाए। दोस्तों इन दो साखी जो दुआएं उनका अर्थ देखिए। पहला, कबीरदास जी चाहते और कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ कई बार। कबीरदास जी कहते त्याग तो ऐसा होना चाहिए जो सब कुछ एक ही बार में अपन त्याग जिसे कर सकें। सब प्रभु का मेरा नहीं, नियच मिस पूरी तरीके से, नियच किया विचार
कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग इस तरह होना चाहिए, मन में इस तरह विचार होना चाहिए, और कोई विचार होना नहीं चाहिए। कौन सा? कि जो कुछ है सब प्रभु का है, मेरा कुछ भी नहीं है, इस तरह का विचार होना चाहिए, और कोई भी प्रकार का विचार अपने दिल में आना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, पहला। दूसरा देखिए कि सुनिए गुण की वार्ता। वार्ता कहते हैं दोस्तों श्रेष्ठता को, कि सुनिए गुण की वारिता अगुण लीजे नाय, हंस छीर को गहत है निरसो त्यागे जाय। यहां देखिए वार्ता का अर्थ होता है श्रेष्ठता, अवगुण का अर्थ होता है अवगुण, लीजे मिस लेना, नाही मिस नहीं। हंस एक पक्षी होता है, छीर अपन यहाँ दूध कहें, गहत मिस ग्रहण करता है, निर्मिस पानी, त्याग मिस त्यागना, और जाहिमिस जाना। देखें कबीरदास जी कहते हैं कि गुणों श्रेष्ठ गुणों को, श्रेष्ठ गुणों को हमें बार बार सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जबकि अवगुणों को हमें ग्रहण करना नहीं चाहिए। यहाँ उदाहरण दिया है जैसे कि हंस छीर को गहत, जैसे हंस नामक जो पक्षी होता है वो दूध को ग्रहण करता है, गहत मिस ग्रहण करता है, और पानी को छोड़ देता है। यहाँ एक सीख दी है कबीरदास जी ने, क्या कि जो सही लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग जो होते हैं, वो गुण और अवगुण में से गुणों को ग्रहण कर लेते हैं और अवगुणों को त्याग देते हैं। उसी तरह जैसे हंस पक्षी जो होता है दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेते हैं और पानी को छोड़ देते हैं, उसी तरह विवेकवान सत्संगतिवान लोगों को अवगुणों को ग्रहण करना चाहिए, अवगुणों को त्याग देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तीसरा देखें। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भाव कोई कछु कहे मेरे ही है निज पीव। अभिमान कहते हैं दोस्तों घमंड को। सब जीव संसार के जितने भी जीव हैं, भावे अच्छा ही एम इस हृदय में, और पीव कार्तिया कबीरदास जी ने परमात्मा या प्रिय को दिया है, प्रिय या परमात्मा को। देखें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को, इंसान जब अभिमान को त्याग देता है, घमंड को, सुखी भया सब जीव, तो सभी लोग सुखी हो जाते हैं। कबीरदास जी आगे कह रहे हैं अगली लाइन में कि भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पी। कोई कुछ भी कहे, कोई किसी को कोई कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी कहे, लेकिन मेरे हृदय में तो परमात्मा का वास है। जिसके दिमाग में जो कुछ भी आता है, मेरे हृदय में तो परमात्मा का वास है, हो गया है दोस्तों। इसलिए जब आदमी घमंड को त्याग देता है, अहंकार को त्याग देता है, तो संसार में जितने भी जीव है वो सभी प्रकार से सुखी हो जाते हैं। इसलिए जीव को अहंकार त्यागना चाहिए। अगला दुआपन देखते हैं दोस्तों, अपन मेरे साथ साथ जुड़ जाएं। हो जाते ना पूछो साधु की, बड़ा इंटरेस्टेड दुआ, बड़ी अच्छी सीख कबीरदास जी ने इस दुए के माध्यम से दी है। हो जाते ना पूछो साधु की यति, पूछ लीजिए ज्ञान गति, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, कबीरा पड़ा रहने दो म्यान। देखिए क्या कहा है, संसार के लोगों से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि बाहरी वेशभूषा पर ध्यान मत दो, आदमी की परख उसके गुणों से होती है, वेशभूषा से नहीं। वही बात कबीरदास जी कह रहा है कि जात ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान।
कभी भी साधु जो होता है उसकी जात पूछनी नहीं चाहिए, उसके ज्ञान के बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें जानकारी होनी चाहिए उसकी, ज्ञान की इतना ज्ञान है उसके बारे में हमें जानकारी लेनी चाहिए, कभी भी हमें उसकी जात के बारे में पूछना नहीं चाहिए। उदाहरण दिया है जैसे कि मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान, एक तलवार है और वो उसका मैन जो है बहुत अच्छा दिख रहा है लेकिन उसमें तलवार जो है वो टूटी फूटी जंग लगी हुई है। अब जैसे ही कोई हमें काम पड़ा तलवार जैसे ही निकाली वो तलवार टूट सकती है, इसलिए हमें ना तलवार का मोल करना चाहिए, म्यान जो उसका रखने का स्थान है उसकी तरफ हमें ध्यान देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ना हमें उसी के बारे में ज्ञान करना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। ये हमने चार साखी आपको पढ़ाए कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कछु कई बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नियचे किया विचार, और सुनिए गुण की वारिता अगुन लीजे नाय, और हंस छीर को गैत हे निरसो त्यागे जाय, छोड़े जब अभिमान को तो सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ये निज पीव, जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, और मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। अब इसके अगली बारी अगला दोहा देखते हैं अपन। हाँ भाई पांचवा देखें, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सोवी कंचन होए, कि संगति कीजे साधु की। दोस्तों एक शब्द आता है और वो शब्द होता है हमारा संगति। कहते हैं आदमी जैसी संगति बैठता है उसमें ऐसा ही प्रभाव हो जाता है। तो कबीरदास जी ने क्या कहा कि संगत कीजे साधु की, साधु कहते हैं अच्छे लोगों की, कभी ना निष्फल हो, अच्छे लोगों की संगति कीजिए जो कभी बेकार नहीं जाती, व्यर्थ नहीं जाती। जैसे लोहा पारस, परस ते परस कहते टच यानी स्पर्श, सो ही कंचन हो, कंचन कहते सोना, कि जैसे लोहा जो होता है पारस पत्थर के स्पर्श से, जैसे लोहा जो होता है, जो लोहा होता है अगर उसे पारस पत्थर से स्पर्श कराया जाए तो वो लोहा भी सोना हो जाता है, कंचन हो जाता है। ये विशेषता होती है पारस पत्थर की, अर्थात संगति पारस पत्थर की जैसे लोगों की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पारस पत्थर की अगर संगति करेंगे तो हमें भी अच्छे अच्छे गुण अच्छी अच्छी बातें हमारे अंदर आएंगी। तो संगति कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते सोवी कंचन होए, कि जिस तरह लोहा पारस पत्थर के स्पर्श से सोने का हो जाता है। अगले दो जो दोहे दिए हैं कबीरदास जी ने उन पर अपन बहुत ज़्यादा गौर करेंगे, बहुत अच्छी सीख। मारी आशा सापनी जिन डसिया संसार, ताकि औषधि तोष हे ये गुरु मंत्र विचार। आशा मिस आशा सर्पणी कहते श्यापनी, जिन्होंने डस डस रखा है संसार में, संसार को मारी मिस मार दीजिएगा,
आशा से अपनी आशा रूपी सर्पणी को, रूपक अलंकार, ताकि औषध, औषध में दवाई और तोष में संतोष, ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरु रूपी जो मंत्र है उसकी औषधीय केवल और केवल क्या है, संतोष है। देखिए क्या कहा है कि मारी आशा अपनी जिने डसिया संसार। ये आशा रूपी जो सर्पणी है जिसे अपन दुराशा रूपी कह सकते हैं, जिन्होंने अपने विष रूपी जो अब उसके हृदय में जो कपट रूपी भरा हुआ है, आशा रूपी सर्पणी, दुराशा रूपी सर्पणी ने इस पूरे संसार को डस रखा है, इसलिए ऐसी सांपन को, इसी ऐसी आशा को मार दो। कबीरदास जी कहते हैं कि ताकि औषधि तोष है ये गुरु मंत्र विचार, ये जो इसकी जो उपाय है, इसकी जो दवाई है, केवल गुरु रूपी जो मंत्र है ना, वो केवल और केवल क्या है, केवल इसकी इलाज है संतोष। वैसे भी कहा है कि संसार का सबसे बड़ा जो धन होता है ना, कहते हैं कि गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान और जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। दोस्तों जिस व्यक्ति के पास संतोष है उसे किसी भी धन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए तो कहा है कि संतोषी सदा सुखी। और लास्ट का दोहा देखिए क्या कहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सीख। और कबीरदास जी चाहते यही थे कि लोग उनकी दोहों के माध्यम से सीख लें। क्या हो कागा का को धन हरे कोयल का को दे मीठा शब्दों सुनाए के जग अपनों कर ले तो कबीरा जग अपनों कर ले। यहां इस दोहे में दिया वाणी का महत्व, इससे ऊपर वाले दोहे में दिया था औषधि का महत्व, सॉरी संतोष का, उससे अगले दोहे में दिया था सत्संगति का, किसका दिया था, सत्संगति का महत्व दिया था, और उससे पूछे पहले दिया था गुणों की महत्ता का, और उसके पहले दिया था अभिमान का, और उससे पहले दिया था गुणों को ग्रहण करना चाहिए, और पहले दोहे में दिया था त्याग वाला। तो देखें सबसे पहले इसमें दिया था हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि वाणी में कबीरदास ने यह भी कहा है ऐसी वाणी बोली मन का आपा खोए और अनको शीतल करे तो आप शीतल होए। तो कागा का को धन हरे तो भाई कोयल का को देत और मीठा शब्द सुनाए के जग अपना कर ले। कबीरदास जी कहते हैं कि कागा कहते हैं कौआ को और काको कहते हैं किसका, धन मिस धन हरे मिस हरता है, कोयल कहते हैं कोयल को, काको मिस किसको, देतमी से देता है। इसमें केवल और केवल वाणी की महत्ता है। कहते हैं ना कोयल और कौआ दोनों एक ही कलर के, पहचान भी नहीं पड़ते, काग काक कहते काग कृष्णा पिके कृष्ण को भेद ना पिके काक बसंत काल काक पिके पिके। तो देखें काग का को धन हरे, कबीरदास जी कहते हैं कौआ किसके धन को लेता है और कोयल का को दे और कोयल किसको देती, अर्थात ना तो कौआ किसी का लेता है और ना कोयल किसी को कुछ देती है, केवल और केवल मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो कर ले। कोयल जो है मीठी वाणी बोल करके, मीठी वाणी बोल करके पूरे संसार को मोह लेती है और पूरे संसार को अपना बना लेती है। दो एक बात बताइए, कोयल मीठा बोलती है जबकि कौआ कर्कश वाणी बोलता है, क्या बोलता है, कर्कश वाणी बोलता है। इसलिए कहा है कबीरदास जी ने कि हमें कभी भी
कर्कश वाणी का प्रयोग करना नहीं चाहिए, क्योंकि वाणी से ही संसार को जीता जा सकता है। दोस्तों, हमने कबीरदास जी के बारे में आज पूरी चर्चा की। 1398 1518 ये सारी 1318 1518 जो पूरी बातें हमने आपको बताई, और उसके बाद इनके दोहों के अर्थ भी हमने आपको बताए। 7 जो दोहे थे उनमें फर्स्ट दोहे में त्याग की बात आई थी, दूसरे में गुणों की बात आई थी, तीसरे में अभिमान को त्यागने की बात आई थी, चौथे में साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए, पांचवें में सत्संगति कैसे होनी चाहिए, छठवें में आदमी को संतोष रखना चाहिए, और लास्ट में कहा है कि वाणी ऐसी होनी चाहिए जिसे सुनकर के दूसरा हृदय में आनंदित हो जाए, अर्थात हमारी वाणी से कोई दुखी ना हो, हमें इस तरह की वाणी बोलनी चाहिए। अब इससे अगला आता है हमारा, इससे अगला आता है हमारा तुलसीदास। तुलसीदास के बारे में मैं क्या कहूँ, आप बहुत ज़्यादा जानते हैं। 1532 ईस्वी में आप उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। बचपन बड़ा कठिनाइयों से बीता था। अशुभ नक्षत्र में पैदा होने के कारण माँ बाप ने इनको त्याग दिया। इनका लालन पालन मुनिया नामक दासी ने किया था। कहते हैं जब ये पैदा हुए थे तो इनके मुँह में दांत, यानी 5 वर्ष की अवस्था के बराबर इनके उम्र के लगभग इनके दांतों में दांत आ गए थे, मुँह में इनके दांत थे। तो इनके माँ बाप ने इनको त्याग दिया, माँ बाप गुजर चुके थे, बचपन बड़ी कठिनाइयों से गुजरा था। बचपन का नाम इनका राम बोला था। आवाज़ में बड़ी मिठास थी दोस्तों। इनका गुरु नर हरियानंद नर हरिदास और शेष सनातन से इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, और ये जाने लग गए थे। एक दिन उस गांव में रामकथा कहने चले गए जहाँ रत्नावली थी। रत्नावली के जो पिता और रत्नावली इनसे इम्प्रेस हो गए और इनसे इन्होंने की शादी हो गई। लेकिन जब शादी हुई तो रत्नावली से इनको अति स्नेह हो गया और रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित कर दिया गया, क्योंकि उसके मकान पर उसके घर पर पहुंच चुके थे। जब रात के 12 बजे जब पत्नी के घर पर पहुंचे तो रत्नावली ने इनको फटकार दिया कि हे प्रिय, जितना प्यार तू मेरे शरीर से करता है उतना प्यार यदि तू भगवान राम से कर लेता तो तेरा बीड़ा तेरा भव से बीड़ा पार हो जाता। पत्नी की फटकार से इनके हृदय में राम का प्रेम जागृत हो गया। ब्रजभाषा में कई ग्रंथ की रचना की। इनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ रामचरितमानस है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ भी हैं जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली। इनमें सबसे मेन चीज जो थी वो थी समन्वय की भावना। अब आप कहोगे कि समन्वय कैसा हो गया, यानी इनके बारे में एक बहुत बड़ी बात थी कि जब तुलसीदास ने जब रामचरितमानस की रचना की थी ना दोस्तों, उस समय क्या हुआ था कि अकबर का शासन था। अकबर का जब शासन था तो उस अकबर के शासन में कहा गया कि हिंदू लोग बड़े प्रताड़ित थे, तो इन्होंने हिंदू और मुसलमानों का समन्वय स्थापित किया। ये एक अपने रामचरितमानस में भी ये लिखा हुआ है कि एक तो था शैव और एक था वैष्णव। शैव कहते हैं शंकर भगवान को मानने वाला और वैष्णव विष्णु भगवान को मानने वाला। उस समय भी इन दोनों में समन्वय, इसलिए सबसे बड़ा समन्वयवादी कोई है तो वो तुलसीदास है। उसमें ये भी कहा था, किसी ने कहा था राम भगवान के पास कोई जब आता है तो शंकर का द्रोही, तो उसने ही कहा था कि शिव द्रोही मम दास कहावा, वो नर मोए सपने नहीं भावा। शिव द्रोही मम दास कहावा, वो नर मोए सपने नहीं भावा। ये सारी बातें तुलसीदास जी ने बताई थी, और तुलसीदास जी ने जब बताई थी तो वो सारी बातें इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना भी श्रेयस्कर है। इन सारी बातों को अपन नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने जाहिर करेंगे, रूबरू होंगे ऐसे इंटरेस्ट के साथ। देखते रहिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।